टेक्निकल वीडियोस, अनबॉक्सिंग रिव्यूज और इंडियन पीपल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए प्रेस कीजिए इंडियन आर्मी टेक्नोलॉजी चैनल का सब्सक्राइब बटन और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आप जुड़े रहें इंडियन आर्मी टेक्नोलॉजी चैनल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे पास है बॉक्स रेडमी नोट 5 प्रो का, वो दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये आया है फ्लिपकार्ट से, मैंने परचेज किया इसको 28 फरवरी को और मैं करता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग अभी। तो इसके बारे में जो ओवरव्यू हो बता देता हूँ आपको। इसमें ड्यूल कैमरा है जो है 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का, जिसमें सोनी IMX486 प्रीमियर सेंसर जो है यूज किया गया है। और रेट आप यहाँ पे देख सकते हो इसका कितना है, 12,499, GST के साथ ये पड़ गया टोटल 13,999 में। और साथ में बता देता हूँ कि इसकी जो डिस्प्ले है वो है 1809 की, जो है फुल एचडी प्लस और 5.99 इंच की है। और बॉक्स है एमपीटी। और साथ में इसमें जो फ्रंट कैमरा मिलता है आपको है 20 मेगापिक्सल का और 4000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है इसमें। और स्नैपड्रैगन का 636 इसमें प्रोसेसर यूज हो रहा है और ये वर्क करता है MIUI 9 के ऊपर। और जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लोगो वगैरह दिख रहा है, ये है मेड इन इंडिया का लोगो MI की तरफ से, बाकी आपको दिख रहा है इसमें। और लेंस की बात करें तो यहाँ पे 1.25 नैनोमीटर लेंस इसमें यूज किया गया है। और बाकी इसमें है नया फीचर फेस अनलॉक का, और फेस अनलॉक के साथ ये गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने इसमें गेमिंग वगैरह चेक किया तो ये गेमिंग के लिए ठीक है। और साथ में इसमें बात करते हैं कलर की, कलर में ये 4 कलर में है। एक आपको मिल जाएगा गोल्ड कलर, एक ब्लैक कलर, एक लेक ब्लू और एक रोज गोल्ड कलर मिल जाएगा। और उसके साथ में सिम स्लॉट की बात करें तो यहाँ पे 2 सिम स्लॉट है जो नैनो सिम है। अगर एक टाइम में आप 2 सिम यूज कर सकते हो नैनो, या तो एक सिम नैनो और साथ में एक माइक्रो एसडी कार्ड यूज कर सकते हो। तो बॉक्स हो गया है ओपन अभी और देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है अभी सिलिकॉन का एक कवर जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस साइड में, MI दिख रहा होगा आपको इसके ऊपर। और ये कुल मिला के ठीक है, अभी फ्री में है तो ठीक ही है। और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आपको चमचमाता हुआ गोल्ड कलर का MI का Redmi Note 5 Pro। और इसको कर देता हूँ ऑन और अंदर देखते हैं। ये है इसमें वारंटी कार्ड और मैनुअल गाइड दोनों को, इनको रख देते हैं साइड में। और बॉक्स में देखते हैं क्या मिलता है। बॉक्स में है 5 वोल्ट और 2 एम्पियर का अडाप्टर जो नॉर्मल है। हालांकि ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट करता है लेकिन इसमें चार्ज फास्ट नहीं है, ये थी डाटा केबल नॉर्मल सी। और साथ में ये आ गया सिम एजेक्शन टूल। तो ठीक है दोस्तों, फ़ोन को अभी तो दोस्तों मेरे पास ये है Redmi Note 5 Pro जो है गोल्ड कलर में। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इसकी डायमेंशन से। इसकी जो हाइट आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 158.67 और जो विड्थ है इसकी 75.4 mm है। और इसकी जो थिकनेस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 8.05 mm। और इसका जो वेट है टोटल वो है 181 ग्राम। और इसमें साथ में नीचे की तरफ आप देखेंगे तो नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे स्पीकर है और यहाँ पे USB पोर्ट जो इससे आप चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे मिल जाएगा आपको माइक और माइक के साथ में यहाँ पे मिलेगी आपको 3.5 mm जैक जो आप यूज करते हो हेडफोन में। और इस तरफ बात करें नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा बटन, ये है पावर ऑन ऑफ का। और इसके ऊपर की तरफ जो है पावर सॉरी ये है साउंड की जो है अप एंड डाउन यहाँ से आप कर सकते हो। और ऊपर की तरफ देखने पे आप मिल जाएगा इंफ्रारेड यहाँ पे और ये नॉइस कैंसिलेशन माइक जो है यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे एक मिल जाएगा सेंसर और साथ में फ्लैश लाइट। और इस तरफ मिल जाएगा 20 मेगापिक्सल का कैमरा आपको। और यहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे सिम स्लॉट जो है और ये सिम इजेक्टर टूल। और इससे खोल देता हूँ इसको। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप नैनो सिम है, नैनो सिम यूज करोगे तो आप यहाँ पे 2 यूज कर सकते हो। अगर आप मेमोरी कार्ड यूज करना चाहते हो तो एक नैनो सिम और एक मेमोरी कार्ड इसमें यूज कर सकते हो। और बाकी अगर आप 2 सिम कार्ड और साथ में मेमोरी कार्ड यूज करना चाहते हो तो आप एक सिम कार्ड परचेज कर सकते हो। एक स्क्रीन प्रोटेक्टर है जो है देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, नॉन स्क्रैचेबल है। अगर इसको आप रिमूव करते हो तो स्क्रैच छोटे मोटे जो है आपके मोबाइल पे लग सकते हैं। और पीछे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे फिंगरप्रिंट जो आपको दिख रहा होगा। और साथ में यहाँ पे मिल जाएगा ड्यूल कैमरा और ड्यूल कैमरा के बीच में मिल जाएगी देखने के लिए आपको ड्यूल जो फ्लैश लाइट है वो।
तो डुअल कैमरा में दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे तो ये 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। प्राइमरी जो सेंसर मिलेगा उसमें वो मिलेगा 1.25 नैनोमीटर का और फोकस जो है 2.2 अपर्चर है इसमें, और नीचे वाला जो मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल का उसके अंदर लेंस, और इसमें 1.12 नैनोमीटर का है फोकस जो मिल जाएगा आपको, 2.0 अपर्चर मिलेगा इसमें। इसमें सिंगल टोन फ्लैश लाइट है और इसमें मिल जाएगी आपको लो लाइट फोटोग्राफी मिल जाएगी, एसडीआर एडजस्टमेंट करने के लिए मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं कैमरे पर, तो दोस्तों आपको यहाँ पे कैमरे देखने के लिए मिल रहा होगा वीडियो वीडियो के साथ। मैं यहाँ पे सेटिंग पे जाता हूँ तो सेटिंग में आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे बहुत से ऑप्शन, फोटो सॉरी वीडियो में जाते हैं, वीडियो में सेटिंग, और सेटिंग में यहाँ पे स्लो मोशन जो है देखने के लिए मिल जाएगा आपको। अगर आप स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, और टाइम लैप्स का भी यहाँ पे है ऑप्शन, और जो भी सेटिंग में आपने चेंज करना हो आप यहाँ से कर सकते हो। और फोटो के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगा जिससे आपका जो बैकग्राउंड है आप उसको ब्लर कर सकते हो, और यहाँ पे स्क्वायर का मिल जाएगा पैनोरामा, मैनुअल जो है बहुत सी यहाँ पे मिल जाएगी सेटिंग आपको देखने के लिए, और यहाँ पे भी सेटिंग बहुत सी आपको जैसे आपको दिख रहा होगा। तो मैनुअल में इस तरह की सेटिंग है, और अब आते हैं इसके फ्रंट कैमरा की तरफ। तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा ऑन कर देते हैं फिलहाल, तो यहाँ पे फ्रंट कैमरे को ऑन कर दिया है, और यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट मिल जाएगी जो फिलहाल ऑन हो चुकी है, इसको कर देते हैं बंद, और ये हो चुकी है बंद। और इसके साथ में दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे देखने मिल जाए आपको, जो अगर आपको फोटो ब्लर करना है आपका तो इस सेटिंग के ऊपर ओके कर सकते हो आप यहाँ पे, और बहुत सी इफेक्ट है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे। और जो फ्रंट कैमरा है आपका ये सेल्फी टाइमर है, इसमें दिया हुआ ब्यूटी जो 5 है वो 4.0 है, 1.0 एनएम के साथ फोकस जो है 2.2 अपर्चर का है इसमें, और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है आप कर सकते हो दोनों में ही 1080 पिक्सल की जो है फुल एचडी। और दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा डिस्प्ले की, तो जो इसकी डिस्प्ले है 18.9 रेशो की है जो आपको देखने को मिल रही होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 5.99 इसकी जो डिस्प्ले है दोस्तों वो है 15.2 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 5.99 इंच हो गया, और यहाँ पे रेजोल्यूशन जो आपको मिल जाएगा 2160x1080 जो है फुल एचडी प्लस, और NTSC जो कलर गैमट है वो मिल जाएगा, सनलाइट मोड मिल जाएगा, नाइट मोड मिल जाएगा, रीडिंग के लिए भी मोड है इसमें, और स्टैंडर्ड मोड, इस तरह के कई मोड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और चलते हैं इसकी सेटिंग की तरफ, तो सेटिंग में आपको जो है तो यहाँ पे आपको वोल्टेज स्पॉट मिल जाता है दोस्तों, और यहाँ पे नाम इसमें सब अपडेट में देख लेते हैं, अपडेट में यहाँ पे ये इसको कर देते हैं कैंसल, और यहाँ पे 9.2.4 दिया गया है स्टेबल, लेकिन यहाँ पे 9.2.5 आ चुका है जो मैं दूसरे हैंडसेट पे यूज कर चुका हूँ अपने। अगर आपने इसको अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर सकते हो यहाँ पे, यहाँ से अपडेट नहीं होगा, लेकिन आप इसको यहाँ पे सेटिंग में जाकर के राइट साइड में यहाँ पे आगे डाउनलोड अपडेट का ऑप्शन, यहाँ पे जाके आप इसको अपडेट कर सकते हो। इसको करता हूँ यहाँ से बैक, और बैक के बाद यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा आपको नोबोर्ड के ऊपर रन करता है ये, और इसमें जिसका डीपीएस लेवल है अगर आप अपडेट कर देते हो इसको 9.2.5 में तो यहाँ पे फेब्रुअरी दिखा देगा, यहाँ पे फेब्रुअरी 2018, और यहाँ पे 4 GB रैम मिल जाएगा आपको, ऑक्टा कोर जो है प्रोसेसर 636 जो मिल रहा है आपको इसमें, और 64 GB में से आपको 51 GB जो है इंटरनल स्टोरेज यूज करने के लिए मिल जाएगी, और इस तरह से सेटिंग है। और इसमें एक और सेटिंग है जो है स्पेशल थोड़ी सी, यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा आपको सेकंड स्पेस, तो सेकंड स्पेस का मतलब इस तरह से आप पीसी यूज करते हो, मान लीजिए उसमें 3 या 4 जितने भी यूजर्स हैं वो पीसी यूज कर रहे हैं, अगर मैं अपनी आईडी जो है लॉग आउट कर देता हूँ वहां पे तो दूसरा यूजर अपनी आईडी डाल करके उसको यूज करता है, तो सेम उसी तरह का प्रोसेस है इसमें। अगर मैं मान लीजिए इसमें सेकंड स्पेस ओपन करता हूँ तो मेरी जो एक अकाउंट है वो बंद हो जाएगा, दूसरा अकाउंट वहां पे मेरे को लॉग इन करना पड़ेगा, और दूसरी सेटिंग में जाकर के आपको यहाँ पे मोड मिल जाएगा, मोड में जाकर के जो ब्लूटूथ टचिंग है, यूएसबी टचिंग है, वायरलेस डिस्प्ले है जो स्क्रीन रिंग में काम आती है तो आप यहाँ से कर सकते हो इसको, और वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन जो है सैमसंग के फोन में आ रहा था इसमें भी आ रहा है अभी, और इसको यहाँ पे पैक कर देते हैं, और सिक्योरिटी ये अभी यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा ऑप्शन 3 तरह की सिक्योरिटी मिल जाएगी, 4 तरह की आपको यहाँ पे, तो फर्स्ट जो है स्क्रीन का जो लॉक है आपका उसको खोल सकते हो आप यहाँ पे, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और साथ में इसमें मिल जाएगा पैटर्न लॉक, जो सिक्योरिटी कोड है वो मिल जाएगा, पिन कोड है वो मिल जाएगा, तो इस तरह से 4 आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। तो
दोस्तों इसमें अगर मैं सेंसर की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपास मिल जाएगा आपको, एक्सेलेरोमीटर मिल जाएगा, एम्बिएंट लाइट सेंसर मिल जाएगा, गायरोस्कोप सेंसर, इंफ्रारेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर, हॉल सेंसर, इस तरह के कई सेंसर आपको मिल जाएंगे इसमें। और अगर आप हैं यूट्यूबर तो आपकी यहाँ पे एक बढ़िया सी ऐप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप। मतलब आपको स्क्रीन रिकॉर्डर जो एक्स्ट्रा ऐप है उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी ऐप है तो आप इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं हो सकता है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो। तो ये थी छोटी सी वीडियो दोस्तों रेडमी नोट 5 प्रो को लेकर के, और इसमें बैक साइड में आपको बताना भूलिया कि यहाँ पे ये जो है आपका जो स्क्रैच पड़ सकते हैं इसमें, अगर आप विदाउट कवर इसको यूज करते हो नीचे रखेंगे तो इसमें स्क्रैच पड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ से एक्स्ट्रा दिया गया है थोड़ा सा 1 या 2 mm, ये मेन जो हमारा बॉडी है बॉडी से ऊपरी तरफ है, इसलिए आप इसके लिए यूज कर सकते हो। जो इसके साथ सिलिकॉन कवर दिया गया है इसको यूज कर सकते हो, नहीं तो दूसरा कवर भी आप यूज कर सकते हो इसके साथ। ठीक है दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो रेडमी नोट 5 प्रो को लेकर के, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोबारा से जय हिंद, जय भारत।